धरती एक चुंबक है। इसका एक उत्तरी और एक दक्षिण ध्रुव या पोल है और हम एक चुंबक पर जी रहे हैं। पर कोई लोग आपको एक छोटा चुंबक बेच रहे हैं जिसे आप अपनी कलाई पर पहन सकते हैं, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जब आप इस चुंबक पर रहते हैं तो आपको दूसरे की क्या जरूरत है। ये काफी बड़ा चुंबक है और ये काफी प्रभावी है और आपका शरीर भी इसी चुंबक का एक हिस्सा है और ये अपने आप में एक चुंबक है। हो सकता है बहुत से लोग चुंबक की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो सबके साथ विपरीत ध्रुव हो सकते हैं या फिर एक ही ध्रुव जिससे हर कोई दूर होना चाहता है। तो बाजार की ताकतें बहुत कुछ कहती हैं। अगर आप अपने शरीर पर चुंबक पहनते हैं तो इससे आपके शारीरिक मापदंड में कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप जाकर एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर के बगल में खड़े हो जाएं, तो आप अपने शरीर में होने वाले बदलावों को माप सकते हैं। अगर आप किसी पेड़ के पास खड़े हो जाएं, तो आप वाकई अपने शरीर के बदलावों को माप सकते हैं। अगर आप खड़े होते हैं तो आपका शरीर एक तरह से काम करता है। अगर आप सिर्फ जमीन पर लेट जाएं, तो ये एक अलग तरीके से काम करेगा। इसे समझते हुए हमने आपसे कहा, उत्तर और दक्षिण दिशा में न सोएं, क्योंकि ये बदलाव आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। तो क्या मुझे चुंबक पहनना चाहिए? जरूरी नहीं है, उससे कुछ बदलाव हो सकते हैं। मानव शरीर के विज्ञान को इतना आसान ना समझें। ओ, ब्लड प्रेशर 5 अंक गिर गया है तो सेहत अच्छी हो रही है। मानव शरीर इस तरह काम नहीं करता। शरीर इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ऐसे तांत्रिक अभ्यास हैं जिनसे हम आपको दुनिया के उस हिस्से से अच्छी तरह से तालमेल में ला सकते हैं जिसमें आप रहते हैं। ऐसी चीजें की जा सकती हैं, पर उसका फायदा तभी होता था जब ऐसा समय था जब लोग कभी भी 10 मील से ज्यादा नहीं चलते थे जहां पर भी वो रहते थे, क्योंकि लोग बस पैदल चलते थे। वो वाकई किसी एक स्थान से बहुत दूर नहीं जाते थे, तो उस समय शरीर स्वाभाविक रूप से धरती के साथ तालमेल में आ जाता था, एक विशेष तरीके से उस स्थान के कोऑर्डिनेट्स के आधार पर जहां आप होते थे। लेकिन आज हम सब इधर उधर जा रहे हैं। अगर आप बड़े मैग्नेट के साथ सही से जुड़ते हैं, जिस पर हम सभी रह रहे हैं और हम सभी जिससे बने हैं, तो ये आपकी कलाई पर छोटे चुंबक पहनने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सुबह आप ये कर सकते हैं, किसी मैदान में एक छोटा गड्ढा खोदें, केवल 2 फीट, और बस अपने टखने के ठीक ऊपर तक अपने पैरों को अंदर रखें और उसे ढक लें और 30-40 मिनट बैठें, बस धरती से जुड़े रहें। आपका शरीर खुद को बड़े चुंबक के साथ तालमेल में ले आएगा और आपको अपनी कलाई या अपने टखने पर चुंबक नहीं पहनने पड़ेंगे। वो चुंबक खरीदने की बजाय आप 2 फीट गहरा गड्ढा खोद कर उसमें अपने पैर रखकर उसे ढक दें। आपका सिस्टम बड़े चुंबक के साथ बहुत अच्छे से तालमेल में आ जाएगा। इससे कई चीजें जुड़ी हुई हैं, कई सारी चीजें। आपने भारतीय योगियों को गले तक मिट्टी में दफन होने के बारे में सुना है? मैं वही सुझाव देने वाला था, पर मुझे पता है कि आप वो नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने पैर कहा। पैरों को मिट्टी में गाड़ दें। अगर यह वाकई मददगार है तो आप गर्दन तक खुद को गाड़ सकते हैं। यह अच्छी तरह काम करता है। वरना लोग एक सरल कॉस्मेटिक तरीका अपना रहे हैं, वो मिट्टी का स्नान या मड बाथ ले रहे हैं। धरती में दफनाया जाना बेहतर होगा, लेकिन आपकी गर्दन तक दफन होने का आसान तरीका मिट्टी का स्नान है। आप कोई भी आजमा सकते हैं, लेकिन पैरों को गाड़ना आसान है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे, कम से कम सेहत के मामले में, आप में से जो लोग एलर्जी से पीड़ित हैं, एलर्जी का मतलब है कि किसी तरह से आपको यह धरती पसंद नहीं है। आप में कुछ ऐसा है जो यहाँ के जीवन या इस धरती की जीवन बनाने वाली सामग्री के साथ तालमेल में नहीं है। आप थोड़े एलियन बन रहे हैं, यही एलर्जी का बुनियादी मतलब है। तो अगर आप खुद को धरती के तरीकों से जोड़ लेते हैं तो एलर्जी गायब हो जाएगी। तो पैरों से शुरुआत करें। अगर ये काम करता है तो थोड़ा गहरा जाएं, ये काम करेगा।